और अब बात करते हैं भोपाल की, जहां फांसी लगाकर सुसाइड करने वाली 14 साल की हिया की डेंटिस्ट मां चित्रा वर्मा को सुबह से ही पता था कि बेटी कुछ उदास है। उन्होंने उसकी वजह भी पूछी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सिर्फ 45 मिनट के लिए ही हिया को छोड़कर मंदिर जाना चित्रा वर्मा के लिए जिंदगी भर का दर्द दे गया। जब घर लौटी तो बेटी फंदे पर मिली। चित्रा मानसरोवर डेंटल कॉलेज में पदस्थ है, जहां से ड्यूटी के दौरान वो हर 10 से 15 मिनट पर उसे फोन पर बात करती रही। चित्रा अपनी बेटी के साथ पति से अलग कोलार में रहती हैं। पति हितेश साहू नेहरू नगर में रहते हैं। हितेश ने बताया कि हिया जिंदा दिल लड़की थी। हिया ने कमरे में दुपट्टे से फांसी लगाई। फंदा लगाने के लिए उसने चेयर का उपयोग किया। उस पर चढ़कर फंदा लगाकर चेयर को लात मार दी। हितेश ने बताया कि उसने कमरे में कोई बदलाव नहीं किया, जो सामान जैसा जहां रहता था वैसा ही मिला। कमरे, बैग या फिर कॉपियों में भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे हिया के उदास रहने का कारण पता चल सके। दोस्तों और पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई, लेकिन जानकारी नहीं मिल सकी। सनखेड़ी कोलार में रहने वाली 14 साल की हिया पिता हितेश सेंट जोसेफ ईदगाह हिल्स में 10वीं की छात्रा थी। उनकी माँ चित्रा वर्मा मानसरोवर डेंटल कॉलेज में पदस्थ है। हिया ने मंगलवार रात 7:45 बजे से 8:30 बजे के बीच घर में फांसी लगा ली थी, जहाँ पुलिस को कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।